अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब, खैरियत से होते हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से माहे रज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो आपने थंबनेल तो देखा रहेगा, और थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया रहेगा कि मैंने आज वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज वीडियो इस टॉपिक पे है कि DD3 या कोई भी इको ख़राब होता है तो रिपेयर होता है कि नहीं। तो थंबनेल में देखा रहेगा आपने, एक्चुअली मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास जो DD3 था पहले मैंने किसी को सेल किया था। उस बंदे ने एक दोस्ती के खातिर किसी दोस्त को यूज़ करने के लिए दिया था, तो उनका ख़राब हो गया था। तो उन्होंने मुझे जब रिपेयर के लिए दिया था तो मेरे पास वो टाइम वक्त नहीं था, एक महीने तक मेरे पास इको पड़ा रहा, वक्त वो टाइम नहीं था इसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी मैं हैंड टू हैंड करवा के दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर जब वो उन्होंने मुझसे मंगाया तो मैंने दिया, फिर उनसे नहीं हुआ तो फिर उन्होंने वापस मेरे पास भेजा, तो मैंने उनको वो इको, जब मैं प्रोग्राम में गया वहाँ पे जहाँ पे रिपेयर होता है वहाँ पे प्रोग्राम में गया, उनको वो रिपेयरिंग करके दे दिया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि रिपेयर कैसे होता है, क्या होता है, तो रिपेयर वाले ही रिपेयर कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि मैं आपको वो चीज़ रिपेयर करवा के गारंटी के साथ आपको दे दूंगा, गारंटी पक्का 101% गारंटी मेरी आपको रिपेयर करके दे दूंगा। अब होता क्या है, उसमें आता है एलिमिटर, इको में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है उसमें, ओनली फॉर एलिमिटर आता है, तो वो रिपेयर होता है और हो भी जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि यूनुस भाई रिपेयर होने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है। देखिए एलिमिटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, जो इको रहता है ना उसमें एलिमिटर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर फिर भी आपको कुछ देखना है तो मैं आपको खोलूंगा तो नहीं, लेकिन जस्ट उसकी ट्रायल दिखा देता हूँ, ठीक है, खोलूंगा नहीं भाई इको, ठीक है। तो मुझे कमेंट भी आया था लेकिन मुझे याद नहीं है किसने कौन सी नात की सेटिंग के लिए बोला था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो अब ये आप बोलोगे कैसे रिपेयर होता है, ये सारे बटन खुलते हैं यहाँ से, ये जो 1, 2, 3, 4 बटन खुलते हैं, फिर इसके स्क्रूज रहते हैं, यहाँ से खोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से खुद में पीछे से खुल जाता है ये बटन खोलने के बाद। और अब आपको मैं मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये है ना, ये ख़राब क्यों होता है। ख़राब होने की सबसे बड़ी बात इसकी वजह से, ये पिन है ना, इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से। और यहाँ जब हम प्रेस करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसा उल्टा सीधा प्रेस करते हैं, इसको नॉर्मल प्रेस करने का छोड़ देने का, ये हो गया चालू, ठीक है। और अब इसमें देखो ये वाली एक चीज़ है बहुत ज़बरदस्त है, वेब वाली, इसमें आज मैं आपको वेब बता देता हूँ। अगर आपको कुछ रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी पूछना है, और अगर रिपेयरिंग करवाना भी है तो आप बिंदास रहे, आप भेज देना, इंशाल्लाह मैं करवा के दे दूंगा। अगर किसी भाई का हुआ है ख़राब तो, ठीक है, गारंटी के साथ मैं आपको बनवा के दे दूंगा, आप टेंशन ना लें, बिंदास रहे, बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ज़रूर बना के दे दूंगा, ठीक है। और इसमें देखो आज ये वरैप है ना, वरैप, ये देखो ये वरैप है, ठीक है। मदीना दीन 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 वेट यार, तो आपको मैं वो सेटिंग बता देता हूँ, ये देखिए, मेरा गंगता मेरा गंगता मेरा ज़्यादा मेरे इस रूम में इसके लिए बहुत ज़्यादा गूंजता है। बाकी आप वही प्रोग्राम्स वगैरह खुले में या प्रोग्राम्स वगैरह बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पढ़ोगे तो आप सबको समझ में भी अच्छा भी लगेगा देख के, इसको थोड़ा आप बढ़ा लेना वो टाइम में, ठीक है ना, मैं बता आपको। सेटिंग बहुत सी है,
और मैंने जो आपको रिपेयरिंग के लिए बोला है वो, और जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी बराए करम वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।